सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी हम लोग आ चुके हैं पटना के ईगो पार्क में, बिहार विधानसभा के बगल में। सो हम लोग आए हैं, मतलब कि आयुष्मान भी है, उनका स्केटिंग कंपटीशन है, सो वही देखने हैं। उनको पता ही नहीं कि हम लोग आए हैं, उनको सरप्राइज कर रहे हैं आकर के। यहाँ पे हम बेसिकली चार आदमी आए हैं यहाँ पे, और आप लोग पीछे देख रहे हो बहुत ही अच्छा पार्क है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे एयर जेट है, उधर पहाड़ जैसा कुछ बनाया हुआ है, उधर दिखाना जरा। पास से हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो अभी उनसे मिलते हैं, फिर आप आगे देखिए। तब तक के लिए इतना ही। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क का, बहुत ही अच्छा एडवेंचर पार्क है। इधर एक दिन सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे आऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा आकर के। सो चलो पहले तो उससे मिलते हैं आयुष्मान से, उसके बाद आप लोगों से और भी कुछ बातें करते हैं। अभी बहुत जगह घूमना बाकी है, स्केटिंग कंपटीशन देखा पाते हैं नहीं वो अलग बात है। ये देख रहे हो, ये एडवेंचर जाता है, ये ऊपर से पूरा रोप जा रहा है उधर में, वो देख रहे हो पूरा, जैसे आर्मी ट्रेनिंग होता है उसी तरीके से। यही सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट आई इसके साथ, देख रहे हो बहुत सारे अपने पूरे बिहार से, मतलब स्केटिंग कंपटीशन में हिस्सा जो लिए हुए हैं वो लोग आए हैं आज कंपटीशन का। शायद फाइनल है ना? हाँ फाइनल, आज फाइनल है, और यही एडवेंचर चूज होके सब गया है। और वहाँ पे बन रहा है से कि, सो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही है इनका स्केटिंग कंपटीशन। कैसा लगा सरप्राइज? एकदम खराब लगा, तुम्हें लग गया कैसे आ गया। So, इसी पे स्केटिंग कंपटीशन हो रहा है, देख लो ये पूरा स्केट देख के फट जाएगा। नहीं भाई साहब, ये पूरा कंपटीशन का तैयारी चल रहा है। भाई तुम्हारे पास भी ड्रेस होगा? यही ड्रेस है, वो सब मांग लो, कोई बुला लो ना अंदर, आधा घंटा रुक के चलेंगे भाई साहब। देख ले, बुला लो अंदर। हां तो देख ले, तो उनको बुलाओ ना भाई, कॉल करेगा तुम तभी होगा। सो अभी स्टार्ट होगा, सभी लोग अपने, पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन कुछ तो हो रहा है। सो स्टार्ट होगा, रुक जाओ भाई बाहर, हम लोग बाहर निकलते हैं। फोन कर शिवांग को, फोन करो। सो ये पूरा कंपटीशन में जितने लोग भी चले, यही लंबे वाले खंबे जो है। सो तो चलो छोड़ो ये सब बात, अभी स्केटिंग कंपटीशन थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तब तक आप लोगों को दिखाते हैं, देख पाते हैं नहीं ये अलग बात है। सो तब तक देखते रहो ब्लॉग को। VIP है, इंडिया जो उनका बेटा है हुआ, वो स्केटिंग कर, उनके सेफ्टी में तीन पुलिस वाले से। और इधर पूरा तैयारी चल रहा है, सभी लोग देख रहे हो, दो तीन बच्चे कर भी रहे स्केटिंग। रिपोर्ट लगता है ना, थोड़ा देर में स्टार्ट होगा बस। और भाई एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको रुको कुछ दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ये लिया है नया, अभी बस जस्ट आया तो लिया, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ, दिखा दिया। ये देख रहे हो कैसा लगा, एक बार कमेंट करो। अभी जस्ट लिया है, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा भाई, आप लोग के लिए ब्लॉग के अलावा टाइम ही नहीं मिलता। इधर देख रहे हो, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, अब सब जा रहे हैं, अब शुरू होगा, मैं भी शुरू हो जाएगा, अब लग रहा है। कंपटीशन चालू होगा तो मैं उस साइड से दिखाऊंगा, इस साइड से डायरेक्ट सन का लाइट आ रहा है। सो अभी रेडी हो रहे हैं हमारे टीम मेंबर, चलो दिखाते हैं। सो अभी रेडी हो रहे हैं, हल्ला देख रहे हो, बहुत सारा हल्ला हो रहा है। अभी निकालना अपना जूता, ये आपका कैसा जूता है, पकड़ तो जाना, मार के तोड़ देना। एक बिस्किट है ले, चलो खाते हैं, ले चलो ना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, जाना मार के तोड़। उधर हमारे टीम मेंबर्स, मतलब हमारे जो भाई और भैया, अभी एक बच्चा गिर भी गया फटाक से यार,
साधु बाहर चली गई। हाँ गिरी और बाहर गई। टर्निंग पे ब्रेक ब्रेक नहीं ना मार दे छुपरा दूंगा प्लीज यार दुआ मत ना पड़े जरा के बेटे हैं। गजब बनाए उल्टा सीधा कर दिया। चार पुलिस इनके पीछे। बाबू देखो देखो भाई रिस्पेक्ट देखो रिस्पेक्ट। सब में है बड़का को ढकेल रहा है। हमको मालूम है। सो भी इनको रेडी होने देते हैं। जब स्टार्ट होगा तब आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रैक्टिस वगैरह देखकर तो कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट स्टार्ट होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बैच नंबर या स्टिकर मिल चुका है। अब रेस स्टार्ट होगा। ये आसमान का मार के तोड़ देना। और सभी एक टीम का है जितने भी चिपकाड़ हैं। अभी इस बुआ का भी मैंने साटा है। उसका साटा इस हैरी पॉटर का भी साटा मैंने। सो अब स्टार्ट होगा रेस। चलिए वीआईपी पर्सन आर्यन चल। अब मैं भी रेस स्टार्ट होने वाला है। अरे वेद हम लोग के साथ है। देख लो। तो चलो अभी स्टार्ट होगा कुछ देर में फिर दिखाता हूँ। सो गाइस स्केटिंग कंपटीशन हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी एक घंटा और लगेगा। तो अभी 11:10 हो चुका है। मैं सोचा ज़्यादा देर रुकना भी नहीं। मेरे को जू जाना है मतलब चिड़ियाघर जाना है बगल में। सो हम लोग घूमने जा रहे हैं। उसका भी ब्लॉग आएगा। सो इस ब्लॉग पे अपना प्यार दे। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। सो सॉरी कि ये ब्लॉग नहीं आ पाएगा स्केटिंग का। वो बोल दे मैंने उन लोगों को उनको बोल दिया कि अब हम लोग जा रहे हैं। बगल में एयर बेस है जिसके कारण सो अभी ब्लॉग पर पेंट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूले। ओलंपिक जैसा बिल्कुल मेडल लग रहा है देखने में। पीछे देखा रोलिंग स्पोर्ट चैंपियनशिप रोलिंग स्पोर्ट दिल्ली ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दो महीने मेहनत करने पर इतना अच्छा पोजीशन उसने लिया है। बहुत ही अच्छा है। सो डेसन में सिलेक्शन तो नहीं हो पाया बट नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। सो मैं ब्लॉग नहीं ला पाया उसके लिए सॉरी। इसका वीडियो नहीं ला पाया। सो इसके बाद नया ब्लॉग आएगा जू वाला। सो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेडल देखने में कैसा लगता है कमेंट करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।